अपने ऑडियंस से, अपने लोगों से बात करने के लिए इस मुद्दे पे कि ये गुजरात से हैं और भोजपुरी में, बिहार में काम कर रही हैं, यूपी में काम कर रही हैं, तो काजल जी आप लोगों से बात एक्चुअली मैं करेंगी? 2 दिन पहले लाइव आई थी, इतना छपर छपर कर रही थी, लेकिन आज वर्ड्स ही नहीं मिल रहे बिकॉज गुजरात में जो हो रहा है एंड किसी एक इंसान की वजह से, जो कि इंसान तो है ही नहीं, हैवान है वो, वैसे लोगों की तो कोई गिनती नहीं की जाती है दुनिया में, बट उस एक इंसान की वजह से हमारे तमाम जो बिहार के जो आए हैं यहाँ पे, जो वर्क करते हैं, इतना मेहनत करके अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं, और मैं खुद बिहार गई हूँ और मैंने हर एक चीज़ देखी है वहाँ पे, लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ। सो अभी मेरे आपको रोंगटे खड़े हो रहे एक हैं। चीज बताइए काजल जी, बिहार में आपको बिहारियों से किसी भी तरीके से प्यार में कमी महसूस हुआ कभी? मैं बेसिकली मैं गुजराती में बोलना चाहूँगी उन सारे गुजरात वासियों से कि हूँ तमने हाथ जोड़ीने विनती करूँ छू, प्लीज एक माणसनी गलती माटी तमे पूरा बिहारना लोकोने तमे सजा नहीं आपो, प्लीज हूँ तमने रिक्वेस्ट करूँ छू। एंड हूँ खास करीन जी अल्पेश ठाकुर जी से तमने हूँ खास करीने विनती करीस कि तमे એક જે માણસે કર્યું છે તમે એને સજા આપો, અને આટલા આવા ક્રાઇમ ઘણા બધા થાય છે પણ એ લોકોને એવી સજા આપો તમે કે મતલબ બધા કાપે, ક્રાઇમ કરવા પહેલાં કાપે બધા, એન્ડ તમે એને સજા આપો, હું ગુજરાતીમાં આટલું જ બોલીશ, તમે એને સજા આપો પણ પૂરા બિહારને સજા નહીં આપો। બહુ મહેનત કરીને એ લોકો આજે આપણા ગુજરાતમાં કમ સે કમ મુજે લગ રહા હૈ કે કિતને સારે મતલબ બિહારમાં बहुत बहुत जो मिल्स है, फैक्ट्री, सारी चीजों में सारे बिहार से ही नहीं, लोग हैं, और ये वर्कर्स हैं। अगर गुजरात में से आप लोग बिहार को निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में वर्कर्स होंगे, आज आप सबको जाना पड़ेगा आज उसमें वर्क आज करने के आज लिए।